पंजाब नेशनल बैंक की महकमपुर शाखा को आज बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया। हेलमेट पहने हुए मुंह पर कपड़ा बांधकर बैंक में घुसे बदमाशों ने गार्ड की बंदूक छीन ली और उसे बैंक मैनेजर कक्ष में बंद कर दिया। गार्ड ने सूझबूझ का परिचय देते हुए मैनेजर कक्ष में लगे अलार्म को बजा दिया, जिससे बदमाशों में हड़कंप मच गया और वे फायर कर भाग खड़े हुए। जाते हुए वह गार्ड की बंदूक के कारतूस भी ले गए। पुलिस को थोड़ी दूर पर बदमाशों के दो बाइक बरामद हो गई। यह वारदात आज दोपहर करीब 1:15 बजे दिल्ली देहरादून रोड स्थित महकमपुर शाखा में हुई। रोजमर्रा की तरह बैंक में काम का चल रहा था, तभी 4 बदमाशों ने बैंक में एंट्री की और गार्ड को कब्जे में ले लिया। बैंक में लूट के प्रयास की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच गया। SSP अजय साहनी भी तुरंत मौके पर पहुंच गए। उन्होंने बैंक मैनेजर व बाकी से घटना की जानकारी ले पुलिस को बदमाशों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए। इसके लिए कई टीमें लगाई गई हैं। इसी का नतीजा रहा कि बदमाशों की 2 बाइक अलग अलग स्थानों से पुलिस को बरामद हो गई। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं बैंक मैनेजर गार्ड व अन्य। 12:50 के आसपास 4 लोग आए थे और उन सबों के पास हथियार थे और उन्होंने हमारे गार्ड से उसकी गन छीनी और उसको अंदर बंद कर दिया था। उन्होंने फिर अलार्म बजा दिया, उसके चलते कोई बड़ी वारदात नहीं हो पाई। इस कमरे में इसी कमरे में एक गार्ड होता है बैंक में। गन ले गए हैं, गार्ड की गन ले गए और साथ में एक बैग भी उठा के ले गए हैं। बैग था हमारे PNB के स्टाफ का, एक बैग था वो ले गए। कोई कैश नहीं, किसी कोई इंजरी नहीं है, कुछ नहीं। गन उसमें 2 तो गन में थे लोडेड और 6 और अनलोडेड, 6 थे। उन्होंने एक जाते हुए एक फायर करी। मेरा नाम रोहित कुमार, रोहित कुमार सर। दोपहर 12:50 पे आज कुछ बदमाश, 1-2 बदमाश अंदर घुसे, जिसने एक फर्स्ट वाले ने हेलमेट पहनाया था और दूसरे ने नकाब लगा रखा था। जस्ट उसी के पीछे 2 लड़के और आ रहे थे, उन्होंने भी नकाब बांधा। तो मैंने उसको फर्स्ट वाले को बोला कि आप हेलमेट उतारो, तो उसने हेलमेट उतारने का एक्टिंग करी। इतने ही दूसरे लड़के ने मेरे पिस्टल लगा दिया। पिस्टल लगाती 2 लड़के और पीछे वाले और अंदर आ गए। उन्होंने फिर मेरे साथ 3 लड़कों ने छीना जब्ती करी और मेरी गन छीन ली और उनमें से एक ने फायर कर दिया जो सबसे आगे था। फायर करने के बाद मुझे अंदर घुसा दिया, मेरी गन छीन ली थी पहले ही अंदर। अपने मैनेजर साहब के जो ऑफिस है उसमें मुझे लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद जैसे मैं अंदर केस की तरफ बढ़ने लगे तो मैंने मैनेजर के ऑफिस से सायरन का बटन दबा दिया, जिससे सायरन बजने लगा। सायरन बजने लगा उसके बाद में फिर मैं जो गन थी, गन को और एक हमारा इंश्योरेंस का रहता है PNB मेटलाइफ का, उसका बैग लेकर फरार हो गए। तकरीबन ऐसे रुके 2-3 मिनट, 2-3 मिनट के अंदर ही हो गया। मेरे पास 10 कारतूस मौजूद थे, जो 2 बैरल में लोड गन में लोड थे और 6 उसके बट में, मतलब बेल्ट में थे। हाँ जी, कारतूस 2 लोड थे और 6 उसमें चले गए, 2 मेरे पॉकेट में रहते हैं अलग से। आपके पास 2 बजे? हाँ जी, 2 बजे मेरे पास। मेरा नाम भैया आशीष कुमार वर्मा है। मैं यहाँ अपनी सीट पर बैठा हुआ था, अचानक से 4 लोग अंदर घुसे। गार्ड साहब यहीं खड़े थे आगे गेट पे ही, तो उन्होंने गार्ड साहब को धक्का दिया, उनकी बंदूक छीन ली, उनको वहाँ उन्होंने बंद कर दिया केबिन में। उसके बाद उन्होंने फायरिंग कर दी। फायरिंग करने से क्या हुआ, सायरन बजने लगा, आग वाला जो सायरन होता है। बाकी लोग सब अंदर हो गए, तो क्या हुआ, अंदर से पीछे से किसी ने जाके कैश वाला सायरन बजा दिया होगा। जब उसकी आवाज़ हुई तो वो यहाँ पे अंदर आके मेरा बैग लेके अपना 4 लोग निकल गए। 3 जनों पर उनमें से पिस्टल थी और गार्ड साहब की बंदूक साथ ले गए थे, बैग ले गए थे और कुछ नहीं, कैश वैश कुछ नहीं था। कैश तो नहीं, फायरिंग एक बार ही करी थी उन्होंने। हाँ, सारे लड़के थे, कपड़ा बांधा हुआ था एक, उसमें 2 जनों ने हेलमेट पहना हुआ था और 2 ने टोपी पहन रखी थी और मुंह पे कपड़ा बांध रखा, फेस किसी का नहीं दिख रहा था। भैया मुश्किल से 1-1.5 मिनट रुकेंगे वो अंदर, क्योंकि सायरन बज गया ना, उसकी वजह से वो घबरा के निकल गए। हाँ हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं किया, वो उनको ये लगा कि शायद मैंने सायरन वगैरह ना बजाया, तो अंदर यहीं से घुस के बैग ले गए। फ्रंट पे मेरा बैग रखा था।